मुझे बताइए कि अगर हमारे पास ये दिया हो, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, यहीं से करके स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने लास्ट टू क्लास में सीखा है उसको देख लें क्या करके है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज नाइन, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर नाइन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा? क्या आंसर आया भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? क्या हो जाना चाहिए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए बी यहाँ पे 81 माइनस टू 79 हो जाना चाहिए सर। ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस टू ए बी। ए प्लस बी हमें 9 दिया है। ये फॉर्मूला सिर्फ आपकी वजह से लिखा है, वरना तो जो आंसर लिखना था वो ना बता दिया। 81 माइनस 2 70। अगर हमें x प्लस 1 अपॉन x दिया हुआ है तो हम x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका अपोजिट भी होता है कि नहीं सर, x माइनस 1 अपॉन x गिवन, x माइनस 1 अपॉन x 3 गिवन है और आपसे कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालो, तो बताएगा क्या होगा? यहाँ माइनस दिया हुआ और मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, ए माइनस बी तो हमारे पास 3 है, अगर माइनस वाला हमें चाहिए प्लस 2ab हो जाएगा। प्लस 2ab का मतलब वही x 1 अपॉन x 9 प्लस 2 11। अगर प्लस दिया हुआ है तो ये हमें माइनस करना पड़ा था, अगर हमें प्लस दिया और अगर माइनस दिया है हमें प्लस करना पड़ता है, ये फर्क है दोनों। मतलब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए माइनस बी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। तो आपके पास क्या दिया हुआ था? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स 3 दिया हुआ था, 3 का स्क्वायर प्लस टू ए बी, 9 प्लस 2 11। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी याद ना रहे तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि हमारे पास है क्या। हमारे पास a माइनस बी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों किस फॉर्मूले में आते हैं? तो आप डायरेक्ट सिर्फ वही फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मतलब x माइनस वन अपॉन x का होल स्क्वायर। अगर नहीं आता, नहीं याद हो रहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए, जो जो आपको मालूम है वो रखते जाइए। मतलब आपको x माइनस वन अपॉन x मालूम है 3, x स्क्वायर वन अपॉन x स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ये कैंसिल हो गया, 9 प्लस 2 11, ये आंसर। ये 2 जो है इधर चला जाएगा, 9 प्लस 2 11, ये
ये तो थ्री स्क्वायर है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है क्यूब पे बेस्ड, जैसे आपसे पूछ लिए x plus 1 upon x is 7, what is x cube plus 1 upon x cube? जी, तो अगेन आपके पास भी पेन कॉपी है तो मेरे साथ करते रहिए। मेरे आंसर से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं एक तरह से रिवीजन भी कर रहा हूँ क्योंकि आपको बोल तो रही नहीं हूँ, इसका मतलब फॉर्मूले याद तो करें नहीं। अगर x cube plus 1 upon x cube है तो एक तो ये है कि इधर देख लीजिए, एक तो ये है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये क्यूब a cube plus b cube क्या होगा, a plus b का होल क्यूब। ध्यान से देख लीजिए, माइनस आएगा 3ab into a plus b, a plus b 7। आंसर तो इतना आसान है, 7 का क्यूब कितना होता है भाई, कितना होता है 343 माइनस 21 कितना आ गया 320। आंसर तो आपको ऐसे लिखना था, सिर्फ इतना सा लिखना था, इतना सा ये। लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप सिंपल वाला फॉर्मूला लिखिए। सिंपल वाला क्या, हमें दिया है a प्लस बी और हमसे कह रहा है a क्यूब b क्यूब, इसका मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखिए, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखिए। तो इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ हमें a प्लस बी चाहिए होता है, देखो ध्यान से, a प्लस बी इधर भी इधर और ए बी चाहिए होता है, और जब रेसिप्रोकल में होता है तो कट जाता है, और ए क्यूब बी क्यूब चाहिए होता है। मतलब इस पूरे फॉर्मूले में तीन टर्म यूज होते हैं, ए प्लस बी, ए बी प्रोडक्ट एंड देयर क्यूब। तो इनमें से होता क्या है, इनमें से दो देता है, तीसरा निकलवा। अब यहाँ जैसे हमें उसने ए प्लस बी दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बी भी दिया, ए बी किससे दिया, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, कट के वन आ जाएगा, इसका मतलब ए प्लस बी और ए बी दिया हुआ है तो हम ए क्यूब बी क्यूब निकाल सकते हैं। अब आप जरा इसमें फॉर्मूले में रख के देखिए कि x प्लस वन अपॉन x क्या है, x प्लस वन अपॉन x है 7, x क्यूब वन अपॉन x क्यूब आपको निकालना है, ये 3 आ गया और x प्लस वन अपॉन x 7, तो ये जो 37 या 21 है ये इधर जाके 7 क्यूब में से माइनस हो जाएगा, तो 7 क्यूब होता है हमारे पास 343, 343 माइनस 21 आई थिंक 322 इज द आंसर। ये अगर जितना तेज आप फॉर्मूला याद रखेंगे उतना टाइम आपका सेव। हमारे पास माइनस में भी हो सकता है, जैसा आपसे कह दे कि सर x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, तो आपसे कह रहा है x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब बताइए, तो अगेन आपके पास जो टर्म आए हैं a माइनस b है और a क्यूब माइनस b क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रख दीजिए, a माइनस बी होल क्यूब, आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, इस प्रोडक्ट वाले फॉर्म में लिखा गया है, बेटे 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर करोगे तो मुश्किल होता है। ये आता है, और अगर नहीं आता तो सीधा सिंपल फार्मूला सब बच्चों को यही लगेगा कि a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, दैट इज x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 3ab into a माइनस b, फिर आपको यही सिंपल लगेगा, उससे क्या होगा ये x अपॉन 1 अपॉन x कैंसिल हो जाएगा,
आपको x माइनस वन अपॉन x दिया हुआ है, दैट इज 3 का क्यूब. आपको x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब फाइंड करना है, तो ये आपको फाइंड करना है. माइनस 3 ये कैंसिल हो गया और x माइनस वन अपॉन x जो है वो 3 है, तो 3 जा 9, 9 को इधर ले जाइए, 26 प्लस 9 इज 36. ये हमारे पास जी. तो ये तो सिंपल चीजें हैं कि अगर आपको a प्लस बी या a माइनस बी दिया हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर में तो हमेशा प्लस ही पूछेगा, लेकिन क्यूब में a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब फाइंड करा सकते. सम टाइम होता क्या है, इसका रिवर्स भी होता है. रिवर्स क्या है हमारे पास, रिवर्स हमारे पास ये है कि अगर हमें x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन, दैट इज 79, तो आपसे कह रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है जी. तो एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है, तो अगेन आपकी मर्जी है, अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर ही लिखना चाहो तो बहुत सिंपल हो गया एक तरह से. एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मुझे चाहिए, तो इसका स्क्वायर होता क्या है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर प्लस 2ab. x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर 79 है, प्लस 2 है 81 है. 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का. तो इसका मतलब x प्लस वन अपॉन x आपके पास 9 है. ये भी यूज करते हैं, और कभी कभी एक से ज्यादा चीजें भी हमसे यूज करा लेते हैं. और इवन ये एक छोटा सा क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ, x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, बट आपसे कह रहा है x की पावर 4 प्लस वन अपॉन x की पावर 4 निकाल. x प्लस वन अपॉन एक्स 3 दिया हुआ है, और आपसे x की पावर 4 प्लस वन अपॉन x की पावर 4 फाइंड करने के लिए कह रहे हैं. एक्चुअली क्या है, टू टाइम यह फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. मैं पहले आपके लिए लिख दे रहा हूँ कि भाई x की पावर 4, ठीक है, वो x स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जो आपका x है वो x square हो गया, a square plus b square. तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए था a plus b whole square minus 2ab, ये होना चाहिए. इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये तो कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास क्या है, हमें x square plus 1 upon x square नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है x plus 1 upon x. तो इसका मतलब क्या है कि हम x square plus 1 upon x square का फॉर्मूला भी लिखें. तो x square plus 1 upon x square क्या होता है सर, होगा x plus 1 upon x का होल स्क्वायर माइनस 2ab. ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने इसके लिए रखा है इसके, लेकिन इसका पूरे का स्क्वायर है और माइनस का 2. ये हमारे पास वैल्यू होगी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 टाइम फॉर्मूला लगेगा. अभी इसको दोबारा से भी करेंगे. तो हमारे पास क्या है, हमें x प्लस 1 अपॉन x दिया हुआ है, दैट इज 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर माइनस 2, तो 9 माइनस 2 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 माइनस 2 47 होता है. ये हमारे पास इसको दोबारा से अगर हम देखें कि भाई हमारे पास क्या है, हमें x प्लस 1 अपॉन x दिया हुआ है, दैट इज 3, और हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 फाइंड करना है. हम डायरेक्ट x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 पे नहीं जा रहे, जैसे अभी मैं चला गया,
हम पहले x square लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको तो सीधा तरीका बता रहा हूँ, आप x plus 1 upon x का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आपके पास क्या आएगा, x square plus 1 upon x square plus 2ab। ये कैंसिल, ये तब तक करिए जब तक आपको सारे फॉर्मूले याद ना हो जाए, तो तब तक यही सिंपल फॉर्म ही करिए कि भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं सीखना है, बट ये तो उम्मीद है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है। तो अब आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा कि आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज थ्री, थ्री का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब x square plus 1 upon x square की वैल्यू 9 minus 2 7 आ जाए। अगर आपके पास x square आ गया, आपको चाहिए तो 4, तो अब आप x square plus 1 upon x square का होल स्क्वायर कर दीजिए, वो हो जाएगा x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4 plus 2ab, फिर वो ऐसे हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास x square plus 1 upon x square की वैल्यू है, वो कितनी वैल्यू है, वो 7, तो 7 का स्क्वायर x की पावर 4 plus 1 upon x की पावर 4, प्लस में हमारे पास 2 है, तो 2 49 में से माइनस, 49 minus 2 is 47। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो एक तरीका ये हो सकता है। मुझे एक तो तरीका ये था हमारे पास, क्वेश्चन हमने किए थे तो देख लेते हैं इसमें से आपने प्रैक्टिस की या नहीं, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड ही है जैसे आपसे क्या कह रहे हैं। बताइए जरा, 412 into 412 into 412 minus 588 588 588 upon 588 into 588 minus 588 into 412 plus 412 into 412, ये यहाँ पे प्लस होगा। ये बच्चा बताएगा मुझे इसका आंसर क्या है। आंसर दीजिए, सीधा सा है, इतना सोचना थोड़ा ही होना चाहिए। ये आपके पास बचे ए क्यूब है और ये आपके पास बी क्यूब है और ये बचे आपके पास ए स्क्वायर है, 412 का स्क्वायर, और बीच में ए बी है, 412 into 580 है, और फिर आपके पास 588 का स्क्वायर। बेसिकली आपके पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है। अब आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही दिया हुआ है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो सिर्फ बचेगा वो ए प्लस बी बचेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो 412 और जो हमारा बी है वो 588 है। ये आपके पास कितना हो गया, 600 और 400, 1000, ये आंसर। तो आपको तो डायरेक्ट ही सोचना था कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ऊपर आएगा ए प्लस बी इंटू दिस। तो फाइनली जो आपके पास बचना चाहिए, आपको एक ही लाइन लिखनी थी ए प्लस बी, ए प्लस बी इज 412 प्लस 580, ये आपका बचना चाहिए। तो इस तरह से कर सकते। सर इस तरह से क्वेश्चन आपको दे सकता है कि सर 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 4, -1 minus 1 by 100 100 तक के टर्म्स हमारे पास है। आपसे कह रहा है इसका आंसर बताएं, सिंपलीफाई फॉर्म में दीजिए। तो मेहरबानी करके इस तरह के क्वेश्चन से डरना नहीं है, कि कितनी लंबी सीरीज है हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में इसका फॉर्मेट ढूंढना होता है कि फॉर्मेट क्या है। आसान तरीका क्या है कि आप पहले से सिंपलीफाई करते चले जाए, स्पेशली तो इसको, तो ये हो जाएगा 2 1 2 -1 1/2, फिर ये आएगा 3 1 3 -1 2/3, फिर ये आएगा 4 1 4 -1 3/4, ये ऐसे आता जाएगा। अगर लास्ट वाला आप सोचेंगे तो ये होगा 100 1 100 -1 99/100। अब होता क्या है, सब बच्चों को शुरू का तो पता चल जाता है कि हो क्या रहा है, शुरू में हो क्या रहा है इनटू में, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो आपको ये सोचना है थोड़ा सा और, अगर आप समझें कि भाई अगर नेक्स्ट वाला टर्म में लेता तो यहाँ नेक्स्ट क्या आता, यहाँ नेक्स्ट आता 1 minus 1 by 5, तो 5 1 5 -1 4/5 होता। अगर 4/5 होता तो ये ऐसे करता, तो उसका मतलब ये डायगनली कटता जा रहा है। तो एक तो इस वाले टर्म को सोच लेते हैं। इसी तरह से आपको लास्ट वाले से सेकंड लास्ट टर्म सोचना होता है कि सेकंड लास्ट क्या होता, सेकंड लास्ट होता 1 minus 1/99। ये लास्ट वाला 100 है, 99 बन जा 99 -1 98 98 अपॉन 99। प्लीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी डायगनली कैंसिल हो रहा होगा, डायगनली ये कैंसिल हो रहा होगा, तो फिर बेटे डायगनली जो है ये भी कैंसिल हो रहा है और डायगनली ये भी कैंसिल हो रहा है। तो ये सीक्वेंस सोचना होता है। तो अगर ये सीक्वेंस सोच लिया आपने तो फिर आपको ये देखना है कि बचा क्या। सिर्फ बचा जो है अब हमारे पास वो फर्स्ट टर्म यहाँ बचा है और वो लास्ट टर्म यहाँ बचा है। फाइनली आंसर जो हमारे पास आएगा वो 1/100। ठीक है, तो ये सीरीज सोचनी होती है। जरा एक सीरीज आप खुद सोच के देखो, जरा आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि सर 1 plus 1/2 है, पहले माइनस में लिया था प्लस में लिया, 1 plus 1/3 है, 1 plus 1/4 है, और ये कितने तक हो सकता है, 1000, 100, 1,00,000, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ सीरीज को सोचना है कि हो क्या रहा है, फॉर्मेट क्या आ रहा है। तो यहाँ मुझे n दिया, बताओ इसका आंसर सोच के जरा मुझे क्या चाहिए। n plus 1/2
n plus 1 by 2. Very good, Shah. यहाँ पे भी अगर आप इसको इसी तरह से सिंपलीफाई करो तो सब बच्चे देख लीजिए, तो ये होगा 2 प्लस 1 3 बाई 2, फिर नेक्स्ट आएगा 3 प्लस 1 4 बाई 3, फिर नेक्स्ट आएगा 4 प्लस 1 5 बाई 4 और ये आएगा n प्लस 1 बाई n। तो आपको सिर्फ फॉर्मेट सोचना है। फॉर्मेट क्या सोचना है कि यहाँ पे जो कैंसिलेशन हो रहा है वो इस तरह से डायगोनल चल रहा है, ऐसे 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 इस तरह से डायगनल से अगर होगा तो आप इस केस में जो आपके पास बचा है तो इधर ये वाला टर्म बचा है और इधर ये वाला टर्म। फाइनली आंसर जो आएगा वो n प्लस 1 बाय 2। ये मत पूछो। ब्रेक क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। सिंपल सा है, सो सिंपलीफाई करके बताइए क्या होगा। Square minus 16.2 into 3.1 plus 3.1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। कोई बहुत सिंपल सा सोचना है आपको, थोड़ा सा ये तो समझ में आ रहा है कि ये a स्क्वायर, ये भी समझ में आ रहा है कि ये b स्क्वायर। प्रॉब्लम हो रही है कि ये 16.2 कहाँ से आया, ठीक है? 16.2 बेसिकली जो यहाँ हो रहा है वो हो रहा है 2 इंटू 8.1 इंटू 3.1। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो ये 2ab होगा। तो अगर आपके पास सीधा सीधा सब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो आपको सोचना a क्या है। a मेरा है 8.1 और b मेरा क्या है 3.1 और उसका स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 93। चलो एक क्वेश्चन और बताऊं आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि सर 2 की पावर n माइनस प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इज 640, व्हाट इज n? सोच के बताइए। जी भाई
हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो यूज हो रहा है एक्सपोनेंट का, इतना बच्चों को मालूम होना चाहिए कि पावर माइनस तब होती है जब पावर डिवाइड होती है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, और पावर प्लस तब होती है जब इनटू होता है। इतना पता है या नहीं पता है? आपके पास यहाँ क्या था, 2 की पावर n-1 था, तो एक पावर एक n है और एक पावर 1 है, तो माइनस में है, तो इसका मतलब उस पावर को अपॉन में ले आए, और जो पावर प्लस थी n+1, तो इसका मतलब ये है 2 की पावर n × 2 की पावर। तो ये हमारे पास है। अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो ये 2 की पावर n आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि इसी से प्रॉब्लम है, हम नंबर को तो सॉल्व करना जानते हैं, वेरिएबल को नहीं जानते। अगर हम यहाँ से बेटे 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक जगह आ जाएगा 1 अपॉन और एक जगह आ जाएगा 2 और वो हो जाएगा 640। देखो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अगर आपने 2 की पावर n कॉमन ले लिया है तो 2 की पावर n और इनसाइड हो जाएगा 2 × 4 5/2 × 640। जरा इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, 5 से बेटे अगर ये कैंसिल होगा तो 5 × 1 = 5, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 14, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 8 = 40। और अगर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 256। ये 256 किसकी वैल्यू आई है? ये 256 वैल्यू आई है 2 की पावर n। अब आपको सोचना है 2 की पावर्स में 256 कब होता है, तो आपको पता है 2 × 4 = 4 × 8 8 × 16 16 × 32 32 × 64 64 × 128 256, ये होता है। तो कितनी पावर आई 2 की पावर 56 कितना आया 2 की पावर 8, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 56, ये होता है। तो ये देख लो आप कितनी पावर्स हो गए, कितनी पावर्स हो गए। अगर आपके पास बेस सेम होता है तो आप पावर कंपेयर कर सकते हो, और अगर पावर सेम होता है तो बेस कंपेयर कर सकते हो, तो इसका मतलब आप कह सकते हो n = 2। आगे समझ में? एक क्वेश्चन आप बताओ मेरे लिए करते हो, आपसे क्या कह रहा है बेटे सेम वे में, 3 की पावर n-1 + 3 की पावर n+1 = 810। बताओ जल्दी से, व्हाट इज n? यहाँ पे भी सेम हो रहा था, 3 की पावर n / 3 की पावर 1 + 3 की पावर n × 3 = 810।
3 की पावर n कॉमन, तो 1 अपॉन 3 प्लस 3 इज 810, 3 की पावर n, 3 जा 9 प्लस 1, तो 10 अपॉन 3, 810, इस 10 से ये 10 कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 81 होता है 3 की पावर 3, और आपकी 1 पावर नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर 1 पावर नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, मतलब मैं थोड़ा अलग लिखता हूँ, 3 की पावर n अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 81, 81 होता है 3 की पावर 3, इसे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर नहीं 3 की पावर 4 होता है, 81 होता है 3 की पावर 4, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 5, समझ में आया जी, समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर जी, सबको अगर नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, किसी बच्चे को ऐसा हो तो नहीं समझ में आ रहा है। देखिए एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा बच्चा बता सकता है? आपसे कह रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ठीक है? नॉट 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2870, अगर ये हमें दिया हुआ है तो आपसे कह रहा है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 40 स्क्वायर की वैल्यू बताओ, बताओ कौन बताएगा? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है इसमें, ना फॉर्मूला लगाना ना दिमाग लगाना, कैलकुलेशन ही नहीं, बस थोड़ा सा क्या दिमागी लगा। 5704 जी, 5704 5740, शाबाश। और किसी बच्चे का कोई आंसर, किसी और बच्चे का कोई और आंसर? जी बेटे, और बच्चे का आंसर अभी कोई आंसर है? देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको बेटे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो 20 स्क्वायर की वैल्यू दी और आपसे कह रहा है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 40 स्क्वायर की वैल्यू निकाल। अब यहां ज़हन तो यही कहता है ये इसका डबल है, तो आपने इसका 2870 का डबल कर दिया, बट ये आंसर नहीं है सर, स्क्वायर में तो 2 से कैसे जाएगा, ये डबल नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई। एक्चुअली क्या है, यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिए, आप क्या करोगे कि मान लो यहाँ से 2 कॉमन लेना, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अगर इससे आप 2 कॉमन लेना चाह रहे हैं बेटे, ध्यान से देख लीजिए, तो इससे आप 2 नहीं कॉमन ले सकते, यहाँ से आप इसका स्क्वायर कॉमन लो, 2 का स्क्वायर कॉमन लो, 2 का स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तब ये 1 का स्क्वायर बचेगा, तब ये 2 का स्क्वायर बचेगा, तब ये 3 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है? मतलब अगर आपने 2 कॉमन लिया, पर 2 कॉमन लेने का मतलब भी तो स्क्वायर भी तो कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कॉमन ले रहे हो उसका स्क्वायर है, फिर ये यहाँ पे आएगा 20 का स्क्वायर,
अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी वैल्यू पता है, 1 से लेके 20 का स्क्वायर क्या होता है, 1 से लेके 20 का स्क्वायर होता है 2870। लेकिन बाहर क्या आ चुका, बाहर 2 नहीं आया, बाहर 4 आया। अब आपका आंसर आएगा जो भी आ रहा होगा, तो ये कितना आएगा, 11480। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है मुझे कि स्क्वायर में आपको स्क्वायर ही कॉमन लेना। ये हमारे पास हो गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहाँ ये दे रहा है, टू टू द पावर 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 60 एंड टू टू द पावर 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 32। ये मेरे पास तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे x निकलवा सकता है, x निकाले, आपसे क्या कह सकता है y निकाले, आपसे कह सकता है x y निकाले, कुछ भी निकालने के लिए कह रहा है। सर ये तो दोनों सर सेम ही है, सर दोनों की पावर सेम है। अच्छा इतनी अच्छी बात मत करो ना, राइट साइड में दोनों सेम दिख रहे हैं क्या आपको, इक्वेशन डिफरेंट हो गई ना। तो आप सही 32-16 होना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है कि पावर सेम, एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, बेस भी सेम है, ठीक है। अगर बेस सेम है और अब पावर सेम है तो फिर राइट साइड की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, ये मुझे डिस्टर्ब। अगर यहाँ 2 की जगह 4 दिया होता या कुछ और दिया होता तो पावर से कोई फर्क ना पड़ता, अगर राइट साइड वैल्यू डिफरेंट, ठीक है बेटा। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है कि 3 की पावर x माइनस y इज इक्वल्स टू 81 और 81 की पावर x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। अब बताओ x क्या होगा y क्या होगा। अब यहाँ जैसे मैंने अभी कहा था ना, तो वो देखो यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पावर तो सेम है बेटे, लेकिन यहाँ बेस भी तो डिफरेंट है, बेस क्या है, इसलिए वैल्यूज अलग हैं राइट साइड, राइट साइड की वैल्यू सॉल्व करो, x बताओ y बताओ। आप मजाक समझोगे, ये क्वेश्चन एमबीए में आ चुका है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है 40 है और एक्स प्लस वाई जो है वो 10 है, एक्स माइनस वाई बताओ। एमबीए जामिया का क्वेश्चन है, तो जो हम कर रहे हैं उसी लेवल के आसपास कर रहे हैं। जी बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स करेंगे, ये सारा होता है, फिर एक्सपोनेंट्स वगैरह करेंगे और एक है भी एप्रोक्सीमेशन, रियल एप्रोक्सीमेशन करेंगे। एग्जाम्स 2 महीने पोस्टपोन हो गए, तरह से ध्यान रखें। आईआईटी मेडिकल ने भी अपने एग्जाम्स सितंबर में कर दिए।
देखो इस तरह के क्वेश्चंस को जो मैंने आपसे कहा था, मेरे पास क्या है देखिए, 3 की पावर x माइनस वाई है और इधर 81 ना होके 3 की पावर 4 हो जाए। तो मैंने आपसे कहा था अगर बेस सेम होता है तो फिर पावर सेम हो जाए। तो इसका मतलब यह है आप यहाँ से लिख सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आपके पास दूसरी वाली टर्म दी हुई थी 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 81 जो होता है ठीक है वो क्या होता है, वो होता है 3 की पावर 4। ये मतलब अगर 3 की पावर 4 होता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करो, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4x minus 4y is equals to 3 की पावर। अगेन आपके पास अगर बेस सेम है तो आपके पास पावर सेम हो जाएगी। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 4x minus 4y is equals to, तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आई है x minus y is equals to 4 और एक इक्वेशन आपके पास ये है 4x minus 4y is equals to 4। यहाँ से भी अगर आप 4 डिवाइड कर दोगे आपके पास ऐसे भी आ सकता है x minus y is equals to 1/4। वो इक्वेशन है x minus y is equals to 4 and x minus y is equals to 1/4। तरह से आप सॉल्व कर सकते जी सर, ये हमारे पास है, इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी है कि हमारे पास सेम क्यों नहीं आ रहा है। 81 माइनस वाई एक्स माइनस वाई या तो 4 होगा या 1/4 होगा, दोनों सेम होंगे, दोनों की वैल्यू एक होनी चाहिए। खैर हमने यहाँ पे यही देख लिया कि हम बेसिक अगर सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन फिर हमेशा है एक्सपोनेंट्स में पढ़ेंगे। प्लीज इस चैप्टर, ये हमारा कल से चैप्टर हो चुका है सिंप्लीफिकेशन वाला, बोर्ड मास पे बेस्ड एंड फॉर्मूला बेस्ड, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। ये पूरी पीडीएफ मैं भी आपके उसमें डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, आप इसको तो रिवाइज कर लीजिए और वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ तो वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है सर जी, ठीक है सर।